सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यभिधायने कलाहिकारसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्यो उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेष्टसाधनम् मया तमेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनष्टवचन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरसत्यदेवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानी नाम विचेतासि देवी भगवती सा वलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमस्तुते शरणागतधीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषा नभः स्वितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्गरिविनाशन ॐ श्री दुर्गायै नमः श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शिवश्व कमलागणे यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमाचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी
विनागधारणे चित्र चण्डघण्टा माधव मनाभद्रहङ्कारा चित्ररूपाचिता चितिः सर्वमङ्गलमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्दा भवनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्तारत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बरपरिदाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गाजमातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिधा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना दिशम्ब शुम्बहरणि महिषासुरमर्दनि मधुकैटवहन्ते च चण्डमण्डविनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वासधारिणि तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणि कुमारी जैकन्या च केशरी युवतेजतिः अप्रौढा जैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे रात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं दुधं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं भोजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम् पूजयेत्पर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासुतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोदनालक्तकुण्डमेन सिन्धुर्कर्पूरमधुत्रयेण वीक्षयन्द्रविना विदिज्ञ भवे सदाधार्यते पुरारि भौमावाजादिशामग्रे चन्द्रे सर्वेषां गदे विलिख्य प्रभते स्तोत्रं सभवे संवदां भगम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्गलोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः
अनष्टवचन्दः चामुण्डा देवता अङ्गण्यासौकमातरा बीज दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा बीजरथे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मारकण्ठे उवाच ॐ जल्घोयं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिणाम् जनकस्याचिदाख्यातं तन्मे द्रोहे पितामह ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासौकवचं पुण्यं दक्षिणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदाते च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निना दैवमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः ना तेषां जायते किञ्चित् अशुभमरणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या सुजानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषु रक्षसे दानसञ्चयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासनम् अन्धिगयसमारूढा वैष्णवी गरुडासनम् माहेश्वरी विशारूढ कौमारी शिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपोदरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ सर्वाभरणभूषिका इत्येतामातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ दिव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेडकं दामरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुतमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामपजाय च कारयन्दायुधानित्रं देवानां च हिताय वे नमस्ते अस्तु महारात्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि प्राहि मां देवि दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवगां दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणी रक्ष वायव्या मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ओषं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ता वैष्णवी तथा एवं दर्शितो रक्षे चामुण्डा शववाहना दया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योदनी रक्ष तुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालादरीललाटे च भ्रुवो रक्षे दशस्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमगण्डा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारभासिनि
कपालकालिका रक्ष कर्णमूले तुषाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अगरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिवकम्रक्ष वाच मे सर्वमङ्गल ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनधरि नीलग्रीवा वै कण्ठ नलिका नलको भरि स्कन्दया गर्गणी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तया दण्डनी रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जुलेश्वरी रक्ष कुक्षा रक्षेऽङ्गुलेश्वरी तना रक्षेन्महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि कामोच कामनि रक्ष गुह्यां गुह्येश्वरी तथा भूतनागामि कामेठं गुरे महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्द्रभासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फया नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि गगादश्चाकराले च केशाञ्चेभाद्रकेशनि रामकोपेषु कावेरि त्वचं भागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामासानक्तिमेदासि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावती पद्मकोश कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामपि नखज्वालामवेद्या सर्वसन्दिषु शुकं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारं मना बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापाणौ तथा व्याणं मुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जागरि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे जजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिक पुत्रा रक्षेन्महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुभदा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनां द्विजस्थानं वर्जितं कवचनतु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनि परमेकं न गच्छेतु जनेच्छै शुभमात्मनः कवचेनापि तो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्तदत्तात् लाभश्च विजया सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भया जायते मद्या सङ्ग्रामेश्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेदूर्जः कवचेनाभृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् द्रापणे त्रयतो नित्यं त्रिगन्ध्यं शब्दयान्वितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वर्षशतं साग्रम् अपमित्रो विवर्जितः नश्यन्ति व्यादया सर्वे लूता विस्फोटगादयः कावरं जङ्गमं च कृत्रिमं च विशन्ति च
अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराक्षराक्षैव जलजाक्षोपदेशिका सजाकुलजामाला गगनेशागने तथा अन्तरिक्षजरा गौरा काकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डावैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानि देववैराग्यस्तेजा वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवरकारणम् तावत्तिष्ठति मे दिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरविदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्या महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते ॐ अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनौषव छन्दः श्रीमहालक्ष्म्यै देवता श्रीजगदम्बाभृतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तु जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु मधुके नवमिद्राभिधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि रक्तवीरावदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि वन्दिताङ्घ्रिजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि अचिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि नद्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि चण्डिके सततं जयत्वमर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि विदेहि दृशदां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचन्द्राम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दृशा जहि
प्रचंड दत्त दर्पण चंड के प्रणदाय मे रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तु परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि विश्वेण संस्तु देवी शश्वत्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुधानाथ संस्तु परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तगणोत्तम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपम देहि जयम देहि दशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणि कारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या परमापनोति संबला अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गण्डयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमातदारिणे सर्ववेदाद्यानीय मन्त्राणामभिकीलकम् स्वाभिषेमम वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु जाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्राणौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायासो तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावर्णियन्त्रणम् स्वाभिषेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः गगाधिपतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीलाम्बिलायेन मित्रं जपति संस्फुटम् स्वसिद्धा सगणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः राजैवापृतस्तस्य भयं क्वापि जायते नावमित्रुवशं जाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवुदैः सौभाग्यादिकञ्चिद्दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन ज्ञाप्यामिदं शुभम् शनैस्तो जाप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पतिरुच्यकैः भवत्येव समग्रावे तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र साधेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि मोक्षः स्तूयते सारगञ्जनैः ॐ श्रद्धालुभक्तजन अभी तक श्री वेद्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से
भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आय गे नंद नंद महा
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि प्रियंते परमेश्वरी आवाहनं न जानामि
ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा होल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षगणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षगणनाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अखिल का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देव्या जजात जगदात्म शक्त्या निश्चेष देव कण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका मखल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतासु वेदादि शुभानि साना। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव
हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा इन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षि पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। जस्यापवा मतलब भगवान अनंतो ब्रह्मा हरचनाय भक्त बलम बलं च सा चंडिका कल जगत परिपालनाय नाशाय चाशोभ स्मतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष नाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है। भगवती चंडिका संपूर्ण व्रत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात्म नाम के ध्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन भवस्त लज्जा ताम ताम नताश परिपाल देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों जहाँ दृढ़ता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन पुरुषों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भक्ति दुर्गा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी भी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया है, मनोकामना को पूर्ण किया है। प्राचीन काल में हे वंश में उत्पन्न कार्तवीर नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी के शिष्य थे और यज्ञ करने दान देने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी विपुल संपत्ति यज्ञ करवा करके अपने भृगुवंशी पुरोहितों को दान में दे दी थी, जिससे भृगुवंशी ब्राह्मण धनी हो गए थे। कुछ समय के पश्चात राजा के राज्य करने के पश्चात स्वर्ग सुधारने के बाद जो हे वंशी क्षत्रिय थे उनको धन की आवश्यकता पड़ी और वे जानते थे कि हमारे राजा द्वारा दिया गया हमारे पुरोहितों के पास बहुत धन है, अतः उन्होंने अपने पुरोहितों से ब्राह्मणों से धन की याचना की, परंतु सभी ब्राह्मणों ने कहा हमारे पास नहीं है, नहीं है। इस प्रकार वो धन को स्थानांतरण करके जमीन में गाड़ करके अन्य स्थानों को चले गए। तब उन क्षत्रियों ने उनके घरों में जाकर के जमीन को खोदा और विशेष धन प्राप्त किया। सभी धन समाप्त हो चुका था, सभी जो ब्राह्मण थे तब उन क्षत्रियों के शरणागत हो गए, परंतु क्षत्रिय क्रोध किए हुए वाणों द्वारा प्रहार करके उन ब्राह्मणों का वध करते रहे। जहाँ तक कि जो गर्भस्थ शिशु थे उनका भी वध करने लगे। जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे वो कुर्री पक्षी वांति बिलाप करती थी। मुनियों ने उनको समझाया कि इस प्रकार का घोर पाप करना आप छोड़ दो, क्योंकि विशेष पुण्य और घोर पाप का फल मनुष्य को इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। परंतु क्षत्रिय ने कहा कि ये सभी ब्राह्मण पाखंडी हैं, दंभी हैं, इन्होंने हमारे राजा का धन इसी प्रकार लूट लिया जिस प्रकार एक पथिक का लुटेरा रास्ते में धन लूट लेता है। इन्होंने दान किया ना ही उपभोग किया ना यज्ञ किए। हमने इनसे धन की याचना की, चतुर्थांश वृद्धि पर भी इनसे धन मांगा, परंतु इन्होंने हमको धन नहीं दिया। इसलिए ये सभी पाखंडी हैं, क्योंकि धन की तीन गतियां हैं, दान भोग और नाश। जो ना दान करता है ना इसका भोग करता है, तीसरी गति है ये अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए ये दंड के अधिकारी हैं और लोभ मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा घोर शत्रु है। जहाँ तक कि लोभ में पड़ा हुआ मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है, भाई बहन पिता माता की हत्या कर देता है। पांडव और कौरव लोभ के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुए। वो पुनः उन ब्राह्मणों का वाणों द्वारा प्रहार करके वध करने लगे और गर्भस्थ शिशु थे उन माताओं जो गर्भ में शिशु उनका भी वध करने लगे। वे बेचारी स्त्रियां रोती हुई हिमालय पर पहुंची और वहां पर उन्होंने नदी के किनारे मिट्टी की माता की मूर्ति बनाई और निराहार रहते हुए मरण व्रत करने का जो संकल्प कर लिया। तब एक दिन माता जी ने स्वप्न में उनको दिखाया कि आप में से एक चतुर स्त्री अपनी जंगा में गर्भ धारण करेंगी और मेरे अच्छे से उत्पन्न हुआ वह बालक आपका उद्धार करेगा। उनमें से एक चतुर स्त्री ने जंगा में गर्भ धारण किया और जब वो गर्भ के तेज से भाग रही थी तो क्षति तलवार लेके उसके पीछे लगे।
दयनीय दशा वाली रोती हुई कांपती हुई एक गर्भिणी हिरणी के समान जिसके पीछे सिंह लगा है, ऐसी माता की दशा देख करके जो गर्भस्थ शिशु था वो जंगा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति प्रकाश करता हुआ प्रकट हुआ, जिसको देख करके सभी जो क्षति थे वो नेत्रहीन हो गए, उनकी आंखों की ज्योति जाती रही और वो कंदरों में इधर भटकने लगे, मन में विचार करने लगे कि निश्चित रूप से ये इस पतिव्रता स्त्री का श्राप श्राप है जिसके कारण हम हमारी नेत्र ज्योति जाती रही है। वो उस स्त्री के शरण गए और प्रार्थना की कि देवी हमारी ज्योति जो है नेत्रों की मुक्त कर दो, हम आपके भक्त बन जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। परंतु उस स्त्री ने कहा कि मैं कुपित नहीं हूँ आप पर, मेरी वास्तविक बात आप सुनिए कि ये जो मेरी जंगा में जो मैंने गर्भ धारण किया था 100 साल तक इसे धारण किया रखा और इसे ने सभी जो वेदांगों का अभ्यास किया है ये माता की कृपा से हुआ है, जो आप पर कोपित है, जब आप ब्राह्मणों का वध कर रहे थे गर्भस्थ शिशुओं का वध कर रहे थे तभी मैंने जंगा में गर्भ धारण किया था, यदि आप नेत्र ज्योति चाहते हैं इसी बालक की शरण में जाओ जो आपको आपकी नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। तब सभी उस बालक की शरण में गए, प्रार्थना की, उस बालक ने कहा कि विधि का विधान ऐसा ही था, आप सभी क्षत्रिय अपने अपने स्थानों को चले जाओ और ब्राह्मण भी शांत चित्त होकर रहें, उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और वह ब्राह्मणी उस बालक का पालन पोषण करने लगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी हम भक्तों पर कुछ संकट काल आन पड़ा है, हमने अंत काल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है, आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उनके धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही है। तीनों महाशक्ति जाड़ मुझ से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बिहारी हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ग्रहण करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज सूरज चंद्रमा बटुक्त प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, सामने शंकर भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्थान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें, माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर मेहनत प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शेरांवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आओ भक्तों माँ की आज मूरत सजा लो 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 बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना
मूरत सजा लो, बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो, बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो, ओ बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो, बिगड़ी बना लो आज बिगड़ी बना लो। जोत तुम भी
जयकारा मेरी शरवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं, तेरी खुशियों का मैया करूं तेरी खुशियों का मैया, क्या मैं समान
बलिदान
बलिदान करूं तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं मां तेरी खुशियों का मैया कुर्बान करूं दिल भी कुर्बान करूं जा भी कुर्बान करूं तेरी खुशियों का मैया क्या क्या सम्मान करूं और तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं क्या क्या मैं सम्मान करूं तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं तेरी खुशियों का मैया क्या क्या मैं सम्मान करूं जयकारा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय एक बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जयकारा शरण वाली का बोल सच्चे दरबार की जय भगतन पुछ के पुजारी अन पुछ के भगतन पुछ के पुजारी अन पुछ के दिल दी मैया नु बल के आईया दिल दी मैया नु बल के आईया बचड़ा ले आईया दरबार बचड़ा ले आईया
ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹੈ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਬਚਣਾ चरण चरण
बोल सच्चे दरबार की जय।
प्रातर्भजामि भजताम अभिलाष दात्री धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्री संसार बंधन विमोचन हेतु भूता मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णु सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेर बलि जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवारी शुभ संबत 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 18 प्रविष्ट है कृष्ण पक्ष आदि एकादशी तिथि है रविवार तदनुसार 31 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आज पाप मोचनी काशी केवल सुमार्त पक्ष वाले रखेंगे, वैष्णो पक्ष वाले कल इसका व्रत करेंगे। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव दैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो भव पाल पुरुता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामुदयस्तु श्रीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिलाष शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल हरणी मैया जय आनंद हरणी तुम कौन सी दिन ध्यावत मैया जी कौन सी दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा जल से दो नैना हो जल से दो नैना चंद्र बदन ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन वर राजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी गुर नर मुनि जन सेवत गुर नर मुनि मन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित माता के मोती मैया नाता ग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर कामराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती ओम रविलोक
आ गया हूँ तुम्हारे
के गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, राम में बोलो जय माता दी, राहुल वेला जय माता दी, राधा वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट बुलांदी जय माता दी, मेरा करी जय माता दी, झोलिया भरी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, झोला आने जय माता दी, गोदा भरी जय माता दी, वीर देनी जय माता दी, लाल देनी जय माता दी, नाने सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो जय माता दी, ताली जोता वाली लाटा वाली टोलिया वाली थोड़ी चुनिया वाली चूड़िया वाली पहाड़ा वाली मंगा वाली खंडिया वाली घंटिया वाली बारा वाली भवना वाली शेरा वाली गुफा वाली हाथ वाली जग कल्याणी मामा रानी पिंडी रानी वैष्णो देवी जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे सतिया जोता वाली माता जय करा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, यशो देही दिशो जही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरुजी को वंदना द्वितीय आद गणेश द्वितीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण माया कपहर जो सतगरी जो जनमाधा जान जय Thank you.
Sargam Chakra Vishuddha Upanidana Chulam Vashundin Chira Changam Sandaradim Dareshinayanam Sarvanga Bhushavidam Nila Shantra Pasha Dashukam Sede Mahakalikam Javasto Savideharo Kamalajo Pantam Madhuketavam Aksha Sarparashum Kadeshukurisham Parthram Dhanushkundikam Dhandam Shastimashim Dharmajalajam Gantasuravajanam Cholam Pajadudarshanem Kadarati Haste Prasannayanam Sevne Senam Vardhani Mimaha Lakshmi Sarojastitam Dhandashuraharaj Chandramusale Katram Dhanusayakam Apsadhinakrikaram Chavirasa Shetanta Dhulya Prabham Dhani Deha Samadhavan Kirakatam Adhar Bhuta Maham Purva Akta Saraswati Manvati Shumpad Yatka Dhani Tumeva Mata Tujhita Tumeva Tumeva Vandhu Sura Tumeva Tumeva Vidya Jayam Tumeva Sarvam Deva Deva Shantakaram Bhujagashayam Padmanagam Suresham Vishwadaram Raganasadisham Medhavardam Suvanyam Lakshmikantam Kamalajayam Jyodhi Vidyanagam Vande Vishnu Vavaram Sarvaloke Ganatam Achitam Keshavam Ramanarayam Keshavam Kodaram Vasudevam Sridharam Madhavam Gopika Vallavam Janaki Nayakam Sitam Chandam Bhaje Hare Murare Vasudeva Kumare Govinda Gopala Madhavam Kishore Janam Pradehi Karanam Pradehi Vidya Pradehi Bhagavan Namostute Satya Jyota Vali Mata Teri Sada Panchapula Rani Mata Teri Sada Sardata Bala Chandra Vali Mata Teri Sada Sare Sansar Vishya Sirena Vali Mata Teri Sadai Unachpa Maa Karna Vali Mata Teri Sadai Kupa Vich Nivaat Karna Vali Mata Teri Sadai Sankara Bita Agur Teri Sadai Kula Satya Darbar Ki Dharam Ki Jau Dharam Ki Jau Dharam Ki Jau Adharam Ka Jaju Adharam Ka Jaju Adharam Ka Jaju Raniyon Mein Sadhavna Raniyon Mein Sadhavna Raniyon Mein Sadhavna Vishv Ka Jaju Vishv Ka Jaju Vishv Ka Jaju Bharat Varsh Jaju Bharat Varsh Jaju Bharat Varsh Jaju Har Mahadev Bolo Baba Shri Hari Ki Jai Sanatan Dharam Ki Jai Om Mata Ki Jai Guru Satya Darbar Ki Jai Pujya Guru Maharaj Ki Jai Pujya Mata Pita Ki Jai Guru Satya Darbar Ki Jai सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली दा वो सच्चे दरबार की जय Thank you.
जो जो से हम जा देवी सर जो के शुरू शक्ति ही प्रेम संचार नमस्कार।